नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक खबर आ रही है झारखंड से, चलिए उस खबर पर नज़र डालते हैं। झारखंड में अंकिता को पेट्रोल डालकर जलाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि खबर है राज्य में एक और नाबालिग के साथ अत्याचार हुआ है। घटना रांची के नरकोपी थाना क्षेत्र की है। वहाँ मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने जनजातीय लड़की को अपना निशाना बनाया। आरोपित की पहचान सहरुद्दीन के तौर पर हुई है। उसे पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट बताती है कि 28 अगस्त 2022 को दिन के 10 बजे नाबालिग जनजातीय लड़की से बलात्कार का मामला संज्ञान में आया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वो रविवार को नहाने के लिए अपने घर से निकलकर खेत की ओर गई थी, लेकिन तभी वहाँ तेज बारिश होने लगी। लड़की खुद को बचाते बचाते एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई कि तभी वहाँ 23, कुछ रिपोर्ट में 26 वर्षीय सहरुद्दीन आ गया। सहरुद्दीन ने पहले लड़की से छेड़छाड़ करनी शुरू की, जिससे घबरा कर वह घर की ओर भागी। बाद में सहरुद्दीन लड़की के घर में घुस गया और उसे आंगन में पटक कर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिस पहर यह घटना घटित हुई, उस समय लड़की के घर पर वह अकेली थी। ऐसे में आस पड़ोस वालों ने आवाज सुनकर उसकी मदद की। पड़ोसियों ने सहरुद्दीन को पकड़ा और घटना के बारे में नरकोपी पुलिस को बताया। पुलिस ने फौरन सहरुद्दीन को गिरफ्तार किया। थाने में पूछताछ के दौरान सामने आया कि सहरुद्दीन लड़की का पड़ोसी था, उसका पीछा आए दिन करता था। नाबालिग के घर वालों ने कई बार आरोपित को रोकने का भी प्रयास किया, पर वह नहीं माना। 28 अगस्त को लड़की को घर में अकेला पाकर उसने दुष्कर्म को अंजाम दिया। इस संबंध में राज्य के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, झारखंड में हैवानियत की हद रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी 28 अगस्त को नरकोपी रांची में एक 15 साल की जनजातीय नाबालिग लड़की के साथ 23 साल के सहरुद्दीन अंसारी ने उसके घर में घुसकर दिन दहाड़े जबरन पटक कर बलात्कार किया। लड़की की शिकायत काफी विचलित कर देने वाली है। भाजपा सांसद संजय सेठ ने घटना पर लिखा, अभी अंकिता सिंह की चिता ठंडी भी नहीं हुई, दरिंदों को सजा भी नहीं मिली और रांची में नाबालिग जनजातीय लड़की के साथ आरोपित ने घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। झारखंड में किसी भी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है, कुछ तो शर्म करो सरकार के रहनुमाओं। बता दें कि झारखंड के रांची में जिस दिन यह घटना हुई है, उसी दिन रांची के रिम्स में दुमका की अंकिता ने दम तोड़ा था। अंकिता का पीछा भी उसका पड़ोसी शाहरुख हुसैन लंबे समय से कर रहा था और उस पर दोस्ती निकाह धर्मांतरण का दबाव बनाता था। हालांकि अंकिता इन सब के लिए तैयार नहीं थी, वह शाहरुख को डांटती थी, इसलिए शाहरुख ने 23 अगस्त 2022 को अपना बदला लेने के लिए उसके ऊपर पेट्रोल की कैन उलट दी और माचिस से आग लगा दी। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में अपने जवाब राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।